2 sin alpha. तो alpha की वैल्यू हमारे पास आई है p plus q over 2 और beta की वैल्यू आई है p minus q over 2. किस तरह से आई है ये वैल्यू मैं आपके पास यहां निकाल के दे देता हूं ताकि आपके पास समझ आ जाए डेरिवेशन के लिए. जैसे मैंने पहले बताया ये इस तरह से डेरिवेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूं वहां फार्मूले के लिए. आपके पास बेटा अगर अल्फा प्लस बीटा को लेट कर लिया हमने पी जैसे इसको और अल्फा माइनस बीटा को लेट कर लिया क्यू, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी. आप क्या करें जब दोनों को हम ऐड करते हैं अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बीटा बीटा से कैंसिल हो गया तो यहां से क्या आ जाएगा p plus q और alpha single जब करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा p plus q over. ठीक है जो alpha की value आएगी वो आएगी p plus q over 2 और beta की value क्या आ जाएगी p minus q over 2 क्योंकि जब यहाँ पे आप subtract करेंगे तो alpha cancel हो जाएगा beta रह जाएगा. ठीक है अब हमारे पास इस formula का क्या बनेगा अगर इसकी left hand side को मैं यूँ लिख देता हूँ sin p minus sin q. आपके पास q दोनों जगह सेम यूज करेंगे अगर यहां इस्तेमाल करेंगे तो वहां इस्तेमाल यूज करेंगे. तो बेटा इसकी राइट हैंड साइड क्या बनेगी इस फार्मूले को देख के बता सकते हैं. इस फार्मूले की ये आपके पास ये जो साइड है ना ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई और राइट हैंड साइड की वाली शिफ्ट किया. अब मैंने इस फॉर्म में लिख दी है sin p minus sin q ये वाली फॉर्म क्या बन जाएगी 2 cos q b अल्फा की वैल्यू क्या निकली है p plus q और बीटा की p minus q. तो बस यही चीज आपने बता दी है तो क्या आ जाएगा 2 cos आपके पास p plus q over 2 and sin फिर उसके बाद cos का ऐड है cos p plus cos q 2 तो सबके साथ आएगा. cos p plus q का फार्मूला किसके इक्वल बन जाएगा फार्मूला नंबर 3 को देख के 2 cos p plus q over 2 आगे cos p minus q एंड फिर उसके बाद cos p minus q over 2 और आपके पास फार्मूला नंबर 4th है cos p minus cos q. उस्मान क्या बनेगा बेटा लास्ट फॉर्मूले के साथ इसके साथ सब्स्टिट्यूट करो माइनस 2 साइन. ठीक है माइनस 2 साइन आगे प्लस क्यू और 2. ठीक है साइन पी प्लस क्यू एंड फिर साइन फिर ये आपके पास चार फार्मूले ये हैं और अगर इसको पीछे नाम देना चाहे तो चार फार्मूले ये बनते हैं. अगर इसको फार्मूला नंबर 5, 6, 7 और 8 टोटल जो आपके पास 10.4 एक्सरसाइज फार्मूले यूज हो जो पीछे वाले फार्मूले पढ़े हैं वही हमारे पास यूज हो सकते हैं 10.3 के लेकिन 10.4 के लिए पर्टिकुलर ये फार्मूला यूज होंगे. इन फार्मूलाज को हम कहते हैं प्रोडक्ट टू सम. ये आपके पास सम टू प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होगा सम की फॉर्म के अंदर और प्रोडक्ट में शिफ्ट करना होगा. अब तो जैसे मैंने बताया याद करने का तरीका भी आपको बता दिया है कि एक चीज याद रखना पहले हमेशा अल्फा प्लस बीटा बाद में अल्फा माइनस बीटा सारे फार्मूले में चारों के चारों फार्मूले में. दूसरे नंबर पे जो की पॉइंट याद रखने का है साइन सिर्फ साइन के साथ ही प्लस माइनस हो रहा है साइन कॉस के साथ नहीं प्लस माइनस हो रहा कॉस कॉस के साथ हो रहा है. अगर पहले साइन के साथ अल्फा है तो प्लस अगर पहले साइन के अल्फा के साथ कॉस है तो दोनों में माइनस है. जब कॉस का ऐड करेंगे दोनों के साथ कॉस अल्फा कॉस बीटा जब कॉस का माइनस करेंगे तो माइनस 2 साइन अल्फा और इसी तरह से इन्हीं फार्मूला से ये चार फार्मूले आपको परफेक्ट हैं तो इन चार फार्मूला से अगले चार फार्मूले बनते हैं. इसकी जगह क्या पुट करें p इसकी जगह q अल्फा की जगह p plus q over 2 और बीटा की जगह तो ये फार्मूले आपको जो बन जाते हैं. ये तो थे आपके पास 8 फार्मूलाज जो हमारे पास यूज होने 10.4 एक्सरसाइज के अंदर. अब 10.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं.